हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक क्लास 11 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर 9 में 9.3 एक्सरसाइज पर हम पहुंच चुके हैं। 9.1, 9.2 और 9.3 के कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 5 तक आप देख सकते हो। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले वो पार्ट 1 से पार्ट 5 तक अवश्य देखें, उसके बाद ही पार्ट 6 देखें। आप मेरा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सभी आप मैथ विद अमन मोहन संग्रिया के नाम से सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। आज हम पार्ट 6 में कर रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी के एल पदों का योग। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम एल पदों का योग हम ज्ञात करेंगे। ये हमारा टॉपिक है आज का, जीपी के प्रथम एल पदों का योग किससे ज्ञात करते हैं। देखो इसमें माना इसका जीपी का जो प्रथम पद है ए है और सारा अनुपात इसका हमारे पास है आर। प्रथम पद ए है, सारा अनुपात आर है, तो हमारे एन पदों को लोग ऐसा हम कैसे लिखेंगे, ए दूसरा पद ए आर, ए आर के तीसरा पद ए आर फोर, चौथा पद ए आर एन माइनस। ये हमारा एनवा पद है, ये हमारा एनवा पद, इसको आप पार्ट नंबर 5 में देख सकते हो। एनवे पद का हमारे पास सूत्र क्या था, हम क्या कर रहे हैं इसको आर से गुणा कर रहे हैं, आर से गुणा करने इन सभी को आर से गुणा कर रहे हैं, आर इंटू एस एन, इसको आर से गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा ए आर, इसको आर से गुणा करते हैं, इसको करने पर ए आर स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे आर से ए आर टू, फिर ए आर फोर, इसको जब आर से गुणा करेंगे तो ए आर की पावर एल हो जाएगा, ए आर की पावर एल। अब हम क्या कर रहे हैं, घटाने का, इनमें से इन दोनों को घटा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करने पर एस एन माइनस आर इंटू एस एन, ए ए आर ए आर कैंसिल, घटाने पर क्या होगा माइनस करेंगे साथ ही, ये माइनस हो जाएगा सभी, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहां जो पता है कैसे कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहां जो पद आएगा एक लास्ट पद बचेगा हमारे पास, और एक पहला पद बचेगा, बाकी बीच वाले सारे पद कैंसिल हो जाएंगे। पहला पद हमने ए लिख दिया, लास्ट पद हमारा आएगा माइनस, माइनस का ए आर पावर एन, यहां से एस एन कॉमन वन माइनस आर, यहां से ए कॉमन वन माइनस आर पावर एन, सूत्र क्या बन जाएगा एस एन का ए वन माइनस आर की पावर एन वन माइनस आर, एन पदों का योग। ये सूत्र आपको याद रखना है, जीपी के प्रथम एन पदों के योग का सूत्र है ये, एस एन, एस एन बराबर ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन में वन माइनस आर। आगे देखो इसी सूत्र को, अगर हम ऊपर और नीचे से माइनस कॉमन ले, ए मेरा सूत्र बन जाएगा आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस, यहां से हमने माइनस कॉमन लिया ऊपर और नीचे से, माइनस माइनस कर देंगे दोनों, और इस सूत्र का प्रयोग तब करेंगे यदि हमारा सारा अनुपात एक से कम है, यदि आर का मान एक से छोटी संख्या है तब हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है, और यदि आर का मान एक से बड़ी संख्या है तब हमें सूत्र का प्रयोग करना है। आर बराबर एक पर सूत्र नहीं लगेगा, आर बराबर एक नहीं होना चाहिए, आर का मान नॉन इक्वल टू वन, दो मान एन पदों के योग का ये सूत्र आपको याद रखना है, एस एन का ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, इसमें आर के पावर एन माइनस वन को आर, क्लियर है। अब देखते हैं, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और फिर कुछ इसके क्वेश्चन भी देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी पे दे रखी है ए प्लस दो बटे तीन प्लस चार बटे नौ के प्रथम नौ, प्रथम एल पदों का योग और प्रथम पांच पदों का योग।
तो हमें क्या देखिए जीपी यहां पर एक प्लस दो बजे तीन चार बजे नौ। प्रथम पद हमारे पास है एक, सारंग अनुपात दो बटे तीन में हमें एक का भाग देना है, दो बटे तीन में एक का भाग देंगे दो बटे तीन ही आ जाएगा। क्या सूत्र है सर का, वन माइनस आर की पावर एन, वन माइनस आर एक का मान एक रख देंगे, दो बटे तीन की पावर एन एक माइनस दो। एन पदों का योग ही याद करना है, एन का मान हमें एन ही लगेगा, एक तो याद करना हमें एन पदों का योग। एक माइनस दो बटे तीन ये हमारे पास आएगा एक बटे तीन, ये एक बटे तीन पर चला जाएगा तो एस एन का मान आ जाएगा तीन एक माइनस दो बटे तीन, एक बटे तीन तीन ऊपर जाकर देखते हैं एस एन आ गया हमारे पास एन पदों का योग। अब याद करना है पांच पदों का योग, एन बराबर पांच आ जाएगा। एलेवन पांच रख दिया, दो की पर पांच बत्तीस, तीन की पर पांच दो सौ तिरालीस। तीन को पांच पर गुणा करेंगे, दो को भी पांच पर गुणा करेंगे, तीन सौ तिरालीस उत्तम एलसीएम। क्या आंसर आएगा हमारे पास, इस तीन से तीन सौ तिरालीस को कैंसिल करते हैं, एक दो सौ तिरालीस, तीन से दो सौ तिरालीस कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा इक्यासी, दो सौ तिरालीस चालीस बत्तीस से आ दो सौ ग्यारह, ये हमारा आ गया पांच सौ का योग। एन पदों के योगफल का ये सूत्र आपको याद रखना है, ए का और आर का मान इसको हमने हल किया। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में क्या दिया है, गुणोत्तर श्रेणी में कितने पद आवश्यक हैं कि उनका योगफल इतना हो जाए। गुणोत्तर श्रेणी में देखिए जी जी तीन, तीन बटे दो, तीन बटे चार, कितने पदों का योगफल एस एन यानी कि तीन हजार उनहत्तर बटे में पांच सौ बारह, कितने पदों का योगफल तीन हजार उनहत्तर बटे पांच सौ बारह होगा। ए हमारे पास है तीन, आर हमारे पास क्या होगा तीन बटे दो में तीन का भाग देंगे या जगह एक बटे दो, ये हमारे पास आ गया आर का। एस एल हमें दिया गया है, क्या सूत्र है एस एल का, ये हमारा एस एल का सूत्र है, एस एल तीन हजार उनहत्तर बटे पांच सौ बारह, ए का मान तीन, आर का मान एक बटे दो होल पावर एन एक माइनस एक। इस तीन से हम इसको कैंसिल कर देंगे, तीन से काटेंगे इसको कितना जगह एक जीरो दो, एक माइनस एक बटे दो एक, ये एक बटे दो गुणा में आ जाएगा एक हजार तेईस बटे पांच सौ बारह गुणा में एक बटे एक माइनस एक बटे दो। क्या किया हमने, एक का मान तीन रख दिया, आर का मान एक बटे दो रख दिया, इस तीन से हमने एक तीन हजार उनहत्तर कैंसिल कर दिया, एक हजार तेईस एक माइनस एक बटे दो आ जाएगा एक बटे। अब इस एक बटे दो का क्या करना है, ये इधर गुणा में आएगा इससे, इस एक से प्लस ये हो गया एक हजार तेईस बटे एक हजार चौबीस,
इधर आ जाएगा 1/2 की पावर n, 1 - 1023 बटे 1024। 1024 हम लेने में ढूंढता हूँ, 1024 माइनस 1023, 1/1024, 1/2 की पावर n। अभी हमें n का मान याद करना है, 1/2 की पावर n बराबर 1/2। इस तरह हम यहां द्वारा लिख रहे हैं, अभी ये हमारे पास आएगा 1/2 की पावर n, 1/1024। दोनों तरफ उल्टा कर देंगे, दोनों पक्षों को उल्टा कर दिया, 2 की पावर n बराबर 1024। n का मान क्या आएगा हमारे पास, इसको हम लिख रहे हैं 2 की पावर 10। 1024 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 की पावर 10 आएगा। अब आधार बराबर है दोनों का, तो घातांक कर देंगे बराबर, n का मान आ गया 10, यानी कि 10 कदम वायु 3071/500 बराबर। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, पहला पद 3 है, r 1/2 है, n पदों का योग हमें दे रखा है 3071/512। पदों की संख्या यानी कि n का मान ज्ञात करना, ये हमारा सूत्र है SN का। इस सूत्र में हमने SN के सूत्र में हमने a का और r का मान, a का मान 3, r का मान 1/2, हल करने पर हमारे पास n का मान है। पहले तो हमने 3 से कैंसिल कर दिया, 3 का भाग देंगे इधर 1071/512, 1 - 1/2 ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 के गुणा में आ जाएगा 1023/1024, 1/2 की पावर 10 ले आए और ये तरह के आगे सुन। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल जो हमारा है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है 14, देखते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 14 हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्रोथर स्टेटिंग के प्रथम 3 पदों का योगफल 13/12 है, उनका गुणनफल -1 है, तो सार्वभौमिक पदों की संख्या 1। एक बात आपने ध्यान रखनी, जब भी हमें ग्रोथर स्टेटिंग के 3 पदों का गुणनफल दिया जाए, 3 पदों का गुणनफल अगर हमें दिया जाए, अगर हमें दिया गया है तो पद क्या मानेंगे हम, पहला पद मानेंगे a/r, दूसरा मानेंगे a और तीसरा मानेंगे ar। क्यों मानेंगे हम, गुणा करने पर क्या है r कैंसिल हो जाएगा, a का हमारे पास मान आ जाएगा, गुणा करने पर r कट जाएगा, a का मान आ जाएगा। इसलिए जब भी हमें गुणोत्तर श्रेणी में 3 पदों को गुणा दिया है तो 3 पद हमें ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो मानेंगे हम जीपी के 3 पद, माना जीपी में 3 पद a/r, a और a। पहले जब इनका गुणा दिया हुआ है a/r गुणा a गुणा ar बराबर -1, गुणा हमें दिया है इनका -1, r का कैंसिल हो जाएगा, 1/3 - -1, एक आ जाएगा -1, ए का मान -1 आ गया। अभी हमें r का मान और ज्ञात करना है, और तीन चीजों का योगफल कितना दिया है, a/r + a + ar, तीनों पदों का योगफल हमें दिया गया है 13/12। अब हम इसमें a का मान -1 रख देंगे, -1/r -1 - 1r, यहां हमने a का मान रख दिया -1। अब क्या करना है, इनका गुणनफल आएगा r, -1 r से गुणा कर देंगे -r, -r² बराबर में आएगा 13/12।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भागफल करने पर माइनस 12 माइनस 12 आर माइनस 12 आर स्क्वायर बराबर में 13 आर। ठीक है, इन सभी पदों को दोस्तों हम लेके जाएंगे 12 आर स्क्वायर, 12 आर इधर आके प्लस की हो जाएगी 25 आर, 13 आर प्लस 12 25 आर और ये 12 प्लस, ये हमारे पास आगे द्विघात समीकरण 12 आर स्क्वायर प्लस 25 आर प्लस 12 है, इनको आप गुणनफल करने हैं, गुणा करने पर तो आ चाहिए 12 * 12 144, जोड़ने पर आ चाहिए 25, दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 144 आए, जोड़ने पर 25 आए, 16 और 9, तो हम क्या लिखेंगे 12 आर स्क्वायर 16 आर प्लस 9 आर प्लस 12 बराबर, इन दो में से और इन दो में से, इनमें से कॉमन है 4 आर, 3 आर प्लस 4, 3 कॉमन 3 आर प्लस 4, 3 आर प्लस 4 कॉमन, यहां रहेगा 4 आर प्लस 3 बराबर में, दो ग्रहण हो गए हमारे पास, दो ग्रहण आए हमारे पास, इन दोनों ग्रहण को हम अलग अलग जीरो रख देंगे, 3 आर प्लस 4 कॉमन, इसको हमने कॉमन ले लिया 4 आर प्लस 3, 3 आर प्लस 4 को जीरो रखेंगे, आर का मान आएगा माइनस 4 बटे 3, 4 आर प्लस 3 को जीरो रखेंगे, आर का मान आएगा माइनस 3 बटे 4। ठीक है, आर का मान माइनस 4 बटे 3, ए का मान माइनस 1, ये हमें तीनों पदों में रखना है, तो ए और आर के मान आपको यहां रखने हैं, तब तो हमारे पास जीपी क्या आएगी, ए बटे आर माइनस 1 बटे माइनस 4 बटे 3 हो जाएगा 3 बटे 4, ए यानी कि माइनस 1, आर का मान माइनस 3 बटे 4 गुणा में 3 यानी कि माइनस 1 गुणा माइनस 3 बटे 4 4 बटे 3, अगर हम आर का मान माइनस 3 बटे 4 रखते हैं इसमें तब जीपी क्या आएगी 4 बटे 3 माइनस 1, एक ही बात है। अब हम कर रहे हैं उस उदाहरण पर कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग सा उदाहरण लेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना आप किस उदाहरण को, इस उदाहरण में क्या दिया है, अनुक्रम हमें दे रखा है 7 77 777 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए, इसके हमें n पदों का योग ज्ञात करना है, अलग प्रकार का अनुक्रम है ये, पहले 7 है इसमें 77 है, 777 7777 एन पदों का योग यानी कि एस एन हमें ज्ञात करना है, एन पदों का पहले हम क्या करेंगे सभी में से 7 कॉमन ले लेंगे, सात कॉमन है, अगर हम 7 से गुणा कर दें तो वापस यही बन जाएगा 7 77 11 को 7 से गुणा करें 111 को 7 से गुणा करें तो भी ये बन जाएगा, अब 9 से बाहर कर देंगे, अंदर सभी को 9 से गुणा करेंगे 9 से गुणा करेंगे, अब यहां पर ध्यान से करें इस 9 को हम लिख रहे हैं 10 माइनस, इसको लिख रहे हैं 100 माइनस, इसको लिख रहे हैं 1000 माइनस 10000 माइनस, कितने पद रहेंगे, पदों की संख्या हमारे पास एन भी रहेगी, अब देखो आगे 10
सौ, हजार, दस हजार, पहले वाले पद हमें अलग करने हैं। दस, सौ, एक हजार, दस हजार, बाद वाले पद माइनस एक माइनस एक माइनस एक माइनस एक को अलग करने हैं। पद हमारे पास एन एक ही रहेंगे, एल पद। ये हमारे पास है गुणोत्तर श्रेणी। पहला पद दस है, फिर दस से गुणा कर दिया सौ, फिर दस से गुणा कर दिया हजार, फिर दस से गुणा कर दिया, फिर दस से गुणा कर दिया। तो यहां हमारे पास पहला पद दस है, सारणपात भी दस है, यानी कि ए बराबर हमारे पास है दस, आर बराबर हमारे पास है दस, तो सात बटे नौ। एस एन का जो फॉर्मूला है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ए का मान दस, आर का मान दस, दस माइनस एक एक एक, इनको एन बार जोड़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा ये एन। एक को अगर हम तीन बार जोड़े तो तीन आएगा, एक को हम दस बार जोड़े तो दस आएगा, एक को हम एन बार जोड़ दें, पदों की संख्या एन है, एन बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया इसका, सात बटे नौ, दस बटे नौ, दस की पावर एन माइनस एक माइनस एन, इतना ही आंसर है इसका। हम इसको आगे सरल नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसको ऊपर ले देते करके, इसका अंतर ध्यान करें, सात बटे नौ, दस, दस की पावर एन माइनस एक, ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। आगे सुन ले, सात बटे नौ बाहर है, ये दस बटे नौ हो गया, ये सेम है दस की पावर एन माइनस एक और ये माइनस है, यानी इन सभी पदों का योग इसके बराबर है। इसको आगे हल नहीं करेंगे हम, इतना ही छोड़ेंगे। तो हमने कुछ उदाहरण किए हैं एन पदों के योगफल पर आधारित। आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है सात से लेकर पंद्रह, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सात से पंद्रह तक क्वेश्चन है, नौ पॉइंट तीन की, इनमें से जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने कर ले, और जो क्वेश्चन अगर आपसे ना हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे। और वैसे पार्ट नंबर सेवन जो करेंगे उसमें हमें इनमें से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। इस प्रश्नावली में एक 32 क्वेश्चन है, 7.9.3 में प्रश्नों की कुल संख्या 32 है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल लाइक करें, टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद अमन मंगल समरिया, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको इस प्रश्नावली की पूरी आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें आप देख सकते हैं। आप उसके 10 तक के क्वेश्चन कर लेना, 11 क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। एक 11 क्वेश्चन इस प्रकार है, सिग्मा मान ज्ञात करना है, के का मान 1 से 11 तक, 2 प्लस 3 की पावर। अब सिग्मा का मतलब क्या है, ये हमने पार्ट वन में देखा था, जिन्होंने पार्ट वन देखा है उनको पता भी होगा। सिग्मा का मतलब है जोड़ करना, योग, सम। के का मान 1 से 11, इसमें हमें के का मान 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 11 तक रखना है, 1 से शुरू करके 11 तक रखेंगे। पहले जैसे हम 1 रख रहे हैं, फिर क्या आएगा प्लस आएगा बीच में, फिर के का मान 2 रखना है, प्लस के का मान 3 रखना है, प्लस चलता जाएगा, लास्ट में के का मान क्या रखना होगा हमें 11। 2 2 2 2, पहले 2 को अलग कर देंगे, कितने पद होंगे ये 11 पद होंगे, ये पदों की संख्या 11 लेंगे, 3 इनका स्क्वायर
इनके पास तीन, ये तीन के पास ग्यारह, दो 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 को हम ग्यारह बार जोड़ेंगे, देखो क्या आएगा। तीन बार जोड़ेंगे तो छह, यानी कि तीन गुना दो। चार बार जोड़ेंगे तो आठ, चार गुना दो। ग्यारह बार जोड़ेंगे, ग्यारह गुना दो यानी कि बाईस। ये हमारे पास जीपी है, पहला पद तीन है, आर का मान भी तीन है, पदों की संख्या ग्यारह। एस एल का जो सूत्र है ए आर के पावर एन माइनस वन और आर माइनस वन, ए का मान तीन, आर का मान तीन, पदों की संख्या ग्यारह, तीन माइनस यह आ गया बाईस। तीन बटे दो, तीन की पावर ग्यारह माइनस, ये इसका आंसर है। अब तीन की पावर ग्यारह को समझ करके देखना क्या आंसर आता है इसका, नहीं तो हम चार्ज में इतना भी छोड़ सकते हैं, इतना आंसर भी हमारा सही है। तो मैंने आपको ये हमने ग्यारह क्वेश्चन किया है, तो आप इसके पंद्रह तक के क्वेश्चन जरूर ट्राई करें। धन्यवाद।